मौलाए कायनात शेर खुदा आली मुर्तजा करम अल्लाह वजहुल करीम आपको जो है एक जंग में जो है पैर में पिंडली में जो है तीर चुभा था, आपको तीर लगी थी, आपको निकालने की कोशिश की, निकालने की कोशिश नहीं निकल रही थी। अगर कोई निकालने की कोशिश, आप जो है तड़प जाते थे। देखा नहीं गया लोगों को, सारे लोग मशवरा करते हैं, हकीम को बुलाते हैं कि किसी न किसी तरीके से जुदा किया जाए। नींद में भी निकालते आप जो है बेदार हो जाते, किसी भी हालत में निकाल नहीं सक रहे थे, तीर निकाल नहीं पा रहे थे। आखिर में जो है आपके सारे मुसाहिबीन कहते हैं कि एक ही तदबीर, एक ही रास्ता बचा है कि जब ये नमाज में खड़े हो जाए उस वक्त इनके पैर से तीर को जुदा किया जाए। हो सकता है कि हम इस तरकीब में कामयाब हो जाएं, हो सकता है कि हम इस मामले में कामयाब हो जाएं। जब सारे लोग फैसला करते हैं ठीक है ऐसे ही किया जाएगा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, शेर खुदा जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपके पिंडली से आराम से वो तीर निकाल लिया जाता है। बाहर जब निकाल रहे थे तो जो है आप बेचैन हो जाते थे, लेकिन जब आपके पैर में लगने वाले तीर जब उसे नमाज में जुदा किया गया आपको एहसास तक ना हुआ, आपने आह भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, आराम से तीर जो है आपके आपके पिंडली से आपके पैर से तीर को आराम से जुदा कर दिया गया। तो दोस्तों और बुजुर्गों, बाहर भी वही शेर खुदा है, नमाज में भी वही शेर खुदा है। क्या बात है, बाहर निकाले तो आपको दर्द महसूस हो और नमाज में जब आपका तीर निकाला गया आपको दर्द महसूस नहीं हुआ, आपके पिंडली से खून जारी हुआ आपको तकलीफ महसूस नहीं हुई। क्या बात है दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोहब्बत इलाही है जो शेर खुदा के दिल में थी, ये अल्लाह की मोहब्बत है जो शेर खुदा के दिल में थी। जब नमाज के लिए आप खड़े हो गए आप अपने आप को खुदा के हवाले कर दिए, जब आपने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया आपके पैर से तीर निकाल दिया गया आपको एहसास तक नहीं हुआ। ये मोहब्बत इलाही है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। जब रब तबारक व तआला की मोहब्बत बंदे के दिल में बस जाती है, बंदे के दिल को चिराग की तरह रोशन करती है, बंदे का दिल चिराग की तरह रोशन होता है। आम लोग मोहब्बत इलाही का दावा करें, उनके दावे में कमी बेशी हो सकती है, उनके दावे में कमी हो सकती है, लेकिन जो औलिया अल्लाह होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनके दिल में जो अल्लाह की मोहब्बत होती है वो मोहब्बत कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जो उस मोहब्बत को तोड़ सके।